अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है, हम अपने राज में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जय भीम साथियों, लालू प्रसाद यादव ऐसे नेता जिनके लिए किसी प्रस्तावना की जरूरत नहीं, ऐसे बहुजन नेता जिन्होंने बहुजन समाज की एकता के लिए आधुनिक भारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो हमेशा दक्षिणपंथी ताकतों के खिलाफ लड़ते आए हैं और जिनके लिए हमेशा कहा जाता है कि वंचित समाज के लिए स्वर्ग नहीं तो स्वर जरूर दिया। आप पूछेंगे आज हम लालू प्रसाद यादव की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप बिहार चुनाव चल रहा है, आप बिहार चुनाव के चलते गूगल करके देखें लालू प्रसाद यादव तो आपको लगेगा कि उनका नाम चुनाव में कितना सक्रिय है, इतना सक्रिय कि सवर्ण मीडिया हो चाहे रीजनल मीडिया सब उन्हीं की बात कर रहे हैं, जबकि वह तो चारा घोटाले के चलते झारखंड में सजा काट रहे हैं। कुछ सवर्ण मीडिया को लगता है कि वे आज भी राजद को कंट्रोल कर रहे हैं चुनाव में अपना इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं और कई सारी रैलियों में भी, चुनावी रैलियों में भी नीतीश कुमार ने कहा है, नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव का नाम उछाला भी है। ऐसी बात है, इसलिए आज हम उनकी बात कर रहे हैं। ऐसी प्रभावशाली प्रतिभा रही है उनकी कि सवर्ण मीडिया ने उनके लिए एनिग्मा नाम यूज़ किया है। एनिग्मा यानी रहस्यमय पर्सनालिटी, रहस्यमय प्रतिभा रखने वाले, जो कि वो आखिर है भी। तो इस एक वीडियो में हम उनके पूरे राजनीतिक सफर की चर्चा करेंगे, कुछ ऐसे किस्से भी लाए हैं आपके लिए जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। सबसे पहले अगर हम पिछले 7 साल की बात करें तो 2013 में जब उन्हें सजा सुनाई गई थी चारा घोटाले के चलते, तो बड़े बड़े सवर्ण मीडिया वालों ने, विशेषज्ञों ने लिख दिया था कि यह उनकी राजनीतिक सफर का अंत है। फिर 2014 लोकसभा चुनाव में देखे तो राजद ने बहुत खराब प्रदर्शन किया था। 2015 में बिहार चुनाव में राजद को किसी ने मौका नहीं दिया था या सबने बोला था हार जाएंगे, पर यहीं बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए राजद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, जदयू के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई। इसलिए कहते हैं कि भारतीय राजनीति में नेवर से नेवर की एक कहावत है और बड़े बड़े सवर्ण मीडियाओं को, विशेषज्ञों को मुंह की खानी पड़ी और लालू प्रसाद यादव ने ये करके दिखाया कि आज भी वह जो ऑपोजिशन है उसे लीड कर सकते हैं, दक्षिणपंथी ताकतों को हराने का जो तरीका है वो उन्होंने दिखाया, वो प्रेरणा सबको दी। तो आइए सबसे पहले चलते हैं, अब शुरुआती सफर कैसा रहा 1970 के दशक में चलते हैं। 1948 में पैदा हुए लालू प्रसाद यादव पहली पीढ़ी के राजनेता हैं। जैसे कि उस समय अधिकतर होता था, लालू यादव का राजनीतिक करियर की शुरुआत कॉलेज में ही हुई। वह 3 साल तक पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी रहे, पर 1970 में प्रेसिडेंट की पोस्ट का इलेक्शन हारने के बाद उन्होंने राजनीति छोड़ दी और पटना वेटरनरी कॉलेज में नौकरी करने लगे। नियति का अलग ही प्लान था। अपनी किताब सबॉल्टर्न साहिब बिहार एंड द मेकिंग ऑफ लालू यादव में संकर्षण ठाकुर लिखते हैं, 1973 में पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव के समय गैर कांग्रेसी छात्र दल फिर से एक साथ आ गए थे, लेकिन उन्हें नेतृत्व के लिए एक विश्वसनीय और ऊर्जावान पिछड़े समाज के उम्मीदवार की आवश्यकता थी। फिर आए लालू प्रसाद यादव, उन्होंने नौकरी छोड़ी, पटना लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया, चुनाव में खड़े हुए, जीत गए और हुआ राजनीतिक करियर का आगाज। 1970 के दशक का समय कुछ ऐसा भी था कि जयप्रकाश नारायण छाए हुए थे युवाओं में। युवाओं पर प्रभाव होने के कारण लालू जल्दी से जेपी के प्रमुख सहयोगियों में से एक बन गए। एक बेहतरीन प्रबंधक और वक्ता की प्रतिभा ने उन्हें लोकसभा टिकट दिलवाया। आपातकाल रद्द होने के बाद 1977 के लोकसभा चुनाव में वे छपरा से सांसद बने, 29 साल की उम्र में, सबसे कम उम्र वाले सांसदों में से एक थे। बिहार के दिग्गज नेता नीतीश कुमार, सुशील मोदी और रविशंकर प्रसाद भी उस समय एक साथ थे, परंतु जेपी ने लालू को ज्यादा तवज्जो दी। जनता दल के गिरने से 1980 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, किंतु वे बिहार विधानसभा में पहुंच गए और सालों तक वहीं टिके रहे। 1980 के दशक में बिहार के विपक्ष के नेता
कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में जो नेताओं का गुट काम करता था उसमें लालू सक्रिय रहे। 1988 में कर्पूरी ठाकुर के मृत्यु के बाद मंडल आंदोलन के चलते छात्र राजनीति में जो उबाल आया उससे भी लालू का कद और बढ़ा। लेकिन 1990 में एक दिलचस्प मोड़ आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जब जनता दल बिहार में सरकार बनाने की ओर अग्रसर थी, दो राजनीतिक दिग्गजों वीपी सिंह और चंद्रशेखर के उम्मीदवारों के बीच मुख्यमंत्री पद की दौड़ चल रही थी। इससे गतिरोध पैदा हुआ जिसमें दिग्गज नेता देवीलाल ने लालू का नाम आगे किया, उन्हें समर्थन दिया। फिर पहली बार लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। बतौर मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का स्वभाव और अंदाज एकदम आम आदमी जैसा था, अपनी जड़ों से जुड़े हुए हों जैसे। आज लाल बत्ती के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, जो जिनकी बहुत वाहवाही करी जाती है इसके चलते, पर 30 साल पहले लालू प्रसाद यादव ये कर चुके हैं बतौर मुख्यमंत्री। जब अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जब शपथ ग्रहण समारोह अपना रामलीला मैदान में किया तो मीडिया ने बहुत बात की इसकी, इसको बहुत प्रचारित किया। पर बहुत ही कम लोग ऐसा जानते हैं कि 1990 में लालू प्रसाद यादव ने भी शपथ गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में ली थी, गवर्नर्स हाउस में नहीं। बिहार सरकार के कैबिनेट की बैठक उनके बड़े भाई के एक कमरे के मकान के बाहर होती थी। मुख्यमंत्री के बंगले पर जनता दरबार लगता था। सिर्फ सरकारी दफ्तरों में नहीं, सड़क पर काम का निरीक्षण करते थे लालू प्रसाद यादव। पूरे सरकारी महकमे को वो गांव ले जाते, सफाई के प्रोग्राम करवाते, बच्चों के बाल काटते, सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते, चरवाहा विद्यालय खोले उन्होंने और बच्चों को एक एक रुपए देकर कहते स्कूल आने के लिए। कोई सुरक्षा या गाड़ियों का बड़ा घेरा नहीं था। अपने बच्चों को भी वह सरकारी डिस्पेंसरी ले जाते और लाइन में लगने के लिए कहते। एक अभिनव नीति उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री जो निकाली वह कुछ ऐसी थी कि सड़क पर से स्पीड ब्रेकर हटवा लिए। कुछ लोगों को ये ठीक ना लगे पर ब्रेकर से ग्वालों का दूध गिर जाता था। जिस समुदाय से वो आए उनके लिए नीति बेहद ही महत्वपूर्ण थी। बात साफ थी, बहुजन समाज से आए नेता ने सवर्णों के सत्ता के जाल को चुनौती दी और खुद ही नहीं गए सत्ता के गलियारों में, पूरे गांव को साथ लेकर गए। अब हम ये भी जानते हैं कि 1990 के दशक में सामाजिक न्याय की जंग भी चल रही थी। जैसे ही मंडल कमीशन के चलते ओबीसी आरक्षण आया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे हरी झंडी दी, वैसे ही लालू सरकार ने उसे लागू कर दिया। भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, इन सवर्ण अल्पसंख्यकों का हमेशा से बिहार की सत्ता पर कब्जा रहा था, पर लालू के आते ही स्थिति उलट गई। 1995 के विधानसभा चुनाव में केवल 61 अपर कास्ट एमएलए जीते और 165 पिछड़ी जाति से जीते। कुछ लोग इसे दिखावा कह सकते हैं पर यह बहुजनों के आत्मसम्मान और गौरव की लड़ाई का एक बहुत बड़ा पड़ाव था। सामाजिक न्याय से जुड़ा है सांप्रदायिकता का सवाल। 1990 के दशक में ही मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई भी चल रही थी। एक तरफ तो आया मंडल कमीशन के चलते ओबीसी आरक्षण, दूसरी तरफ सांप्रदायिक ताकतें उस समय उफान पैदा कर रही थी। आज भी देश को जैसे जकड़ा हुआ है। इसी समय लालू प्रसाद यादव ने एक ऐसा काम करके दिखाया जिससे वह बहुत लोकप्रिय हुए। उन्होंने LK आडवाणी की रथ यात्रा को रोका, उनको अरेस्ट करवाया। पूरे देश में, बिहार में ही ऐसा हो पाया। और बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद जो दंगे हुए, उसमें पूरे देश में जो दंगे हुए, बिहार ही वहाँ ऐसा राज्य था उस समय जहाँ दंगे नहीं हुए। बीजेपी ने जब ये भी कह दिया कि हम वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे, पर फिर भी लालू अडग रहे। देखिए एक वीडियो, एक स्पीच जिसमें लालू प्रसाद यादव LK आडवाणी को कह रहे हैं कि आप वापस लौट जाइए। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री आडवाणी जी से
अपील करना चाहता हूँ अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। जिस हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? 24 घंटा मैं निगाह रखा हूँ, हमने अपने शासन के तरफ से अपने तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया, लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है, हम अपने राज में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया तो फिर हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए, हम इस पर कोई समझौता करने वाले नहीं है। बिहार में लालू प्रसाद यादव के शासन के चलते सबसे बड़ी उनकी अचीवमेंट यही थी कि दंगे बिल्कुल नहीं हुए, जो कि उनसे पहले कांग्रेस की सरकार में एक आम बात हो गई थी। एक काफ़ी हद तक देखा जाए तो ये बहुत ही क्रांतिकारी चीज़ है। अगर हम भारत का आधुनिक इतिहास देखें कि दंगे हुए ही नहीं कभी लालू प्रसाद यादव के चलते बिहार में, और इसीलिए ही कह सकते हैं कि बहुत सारे मीडिया वालों ने या विशेषज्ञों ने इस चीज़ को मुस्लिम यादव वोट बैंक, मुस्लिम यादव यूनिटी, जैसे भी आप इसे देख सकें। तो इतने काम किए, इतना कुछ किया लालू प्रसाद यादव ने, तो उसका काउंटर तो होना ही था, मुश्किलें तो आनी ही थी। दो मुश्किलें आई उनके सामने, पहली तो यही थी चारा घोटाले की, और दूसरी थी कि सवर्ण मीडिया ने, दिल्ली की सवर्ण मीडिया ने बिहार के अंदर उनके शासन को टैग दिया जंगल राज। 1996 में चारा घोटाले के चलते जब बाहर आया तो 1997 में सीबीआई चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव का नाम भी आया। हालांकि कई बड़े नेता और ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी था इसमें, उनसे पहले के शासन के एक कांग्रेस मुख्यमंत्री का नाम भी था, पर उस समय भी और आज भी उन्हें ही जेल हुई इसके लिए। उस समय जब जेल हुई तो कहा जाता है कि आर्मी बुलानी पड़ी थी उनके न्यायिक हिरासत में उन्हें ले जाने के लिए। इतना बड़ा जमावड़ा था समर्थकों का उनके घर के बाहर। उन्होंने सीएम की कुर्सी त्याग दी और आगे आई उनकी पत्नी राबड़ी देवी, जो 2005 तक बिहार की मुख्यमंत्री रही। इसी दौरान दिल्ली की सवर्ण मीडिया ने जब टैग दिया जंगल राज, और आज भी देखें तो हर विधानसभा चुनाव के दौरान लालू यादव के विरोधी इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं उनकी आलोचना के लिए। दिल्ली की मीडिया ने लालू के शासन को भ्रष्टाचार, अपहरण और अपराध से भरा हुआ बताया। मेनस्ट्रीम मीडिया ने उनके शासनकाल का ऐसा चित्रण किया है। सवाल उठता है कि क्या इसका कोई दूसरा विवरण भी हो सकता है? बिल्कुल है। इस पर एक अमरीकी लेखक और शोधकर्ता जेफरी विट्सो ने 3 साल बिहार में जमीनी स्तर पर शोध करके एक किताब लिखी है। इस किताब का विश्लेषण करते हुए फॉरवर्ड प्रेस के आर्टिकल में जीशान हुसैन ने लिखा है कि कैसे लालू प्रसाद के शासन ने नौकरशाही में, पुलिस में, राज्य के हर तंत्र में सवर्णों के दबदबे को, उनकी ताकत को चुनौती दी, सत्ता के गलियारों में अपनी आवाज उठाई, सवर्णों के भ्रष्टाचार को बेनकाब किया, और इसी द्वंद्व में राज्य की नीतियों में जो विकास का पैरालिसिस आया और बहुजनों के आवाज के उठाने को सवर्णों की मेनस्ट्रीम मीडिया ने मिलकर इसे जंगल राज बताया। जंगल राज का टैग चाहे सवर्ण मीडिया ने दिया हो और चारा घोटाला भी जिस स्थिति में, जिस सर्कमस्टेंसेस में हुआ हो, पर एक जगह ज़रूर लालू प्रसाद यादव की जो सरकार थी चूक हुई। एक जगह ज़रूर कानून व्यवस्था पर और जातिगत एकता पर जो सवाल उठता है वह था जो रणवीर सेना ने, जो भूमियारों की, जो राजपूतों की रणवीर सेना थी, उन्होंने 1990 के दशक के दूसरे भाग में जो आतंक की, जो दहशतगर्द की, हिंसाएं की, घटनाएं की, खासकर दलित समाज को टारगेट करते हुए, और लक्ष्मणपुर बाथे जैसी जो घटना हुई, वो एक बड़ा सवाल करता है लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री होने पर। रणवीर सेना ने लक्ष्मणपुर बाथे में 58 पिछड़ी जाति के लोगों की बेरहमी से हत्या करी, जिसमें से ज्यादातर दलित थे।
ऐसी कई और दहशत भरी घटनाएं भी हुई 1990 के दशक के दूसरे भाग में। लालू सरकार ने जांच के लिए जस्टिस अमीर दास कमीशन को नियुक्त जरूर किया, पर कुछ निर्णायक रिपोर्ट नहीं आई। सत्ता में आकर नीतीश कुमार सरकार ने इस कमीशन को बंद कर दिया। रणवीर सेना के लोगों को निचली अदालत ने दोषी जरूर करार किया, पर शर्म की बात है कि 2013 में पटना हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। बतौर मुख्यमंत्री कुछ उनकी छवि पर सवाल उठे जरूर, पर उनकी सत्ता पर इससे ज्यादा असर नहीं पड़ा। और जब उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा तो लालू प्रसाद यादव उसके बाद उससे 1990 की जो गठबंधन की राजनीति थी उसमें सक्रिय हो गए, और उसमें ऐसे सक्रिय हुए कि उनको किंग मेकर की उपाधि दे दी गई। 1996 में जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार राष्ट्रीय चुनाव जीती तो वह जनता दल के प्रेसिडेंट थे। जनता दल के पास 46 सीटें थी। चाहते तो लालू प्रसाद यादव प्रधानमंत्री के लिए दावेदारी रख सकते थे, पर उन्होंने आम सहमति के कैंडिडेट एचडी देवेगौड़ा को ही आगे कर दिया, उनको प्रधानमंत्री बनाया। गैर एनडीए दलों के गठबंधन में एक बड़े नेता के तौर पर आए वो। 1998 और 1999 में एनडीए सरकार जरूर आई वापस देश में, पर 2004 में जब यूपीए की सरकार पावर में आई तो वह केंद्रीय रेलवे मंत्री बने। लालू प्रसाद यादव के केंद्रीय रेलवे मंत्री बनने के बाद दो महत्वपूर्ण रुख देखने को मिले। एक तो ये था कि जिस कांग्रेस सरकार को हरा कर वो बिहार की सत्ता में आए थे, अब वह उसी कांग्रेस सरकार की सोनिया गांधी की तरफदारी करते हमेशा उनके बचाव में हमेशा पब्लिक में आए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये जो दिखा हमें, जब वो रेलवे मिनिस्टर बने तो रेलवे मंत्रालय घाटे में हमेशा चलता था, और उन्होंने इस घाटे को प्रॉफिट मेकिंग वेंचर में तब्दील किया। और फिर इसी जो तब्दीली को दिल्ली की सवर्ण मीडिया ने इसकी बहुत वाहवाही करी, और ये वही सवर्ण मीडिया है या वही सवर्ण मीडिया थी जिसने जंगल राज का नाम दिया था, और अब यही लालू प्रसाद यादव एज रेलवे मिनिस्टर की वाहवाही करने में कभी नहीं थकती थी। जिस तरह लालू प्रसाद यादव ने रेलवे को नुकसान से लाभ की ओर मोड़ा, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में केस स्टडी बना। उन्होंने इस बारे में अमेरिका के वॉर्टन और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के छात्रों को भी संबोधित किया। बाद में कुछ आरोप भी लगे कि कैसे ही केवल दिखावे के लिए हुआ, पर गौरतलब है कि उन्होंने रेलवे का टर्न अराउंड, उस रेलवे की तब्दीली बिना निजीकरण के की, राज्य के तंत्रों से। जैसे कि आज रेलवे को निजीकरण की ओर लिया जा रहा है, उन्होंने इसके बारे में सोचा भी नहीं। आप याद करिए, गरीब रथ एक ऐसा उदाहरण है इसका, जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय पॉलिसी रही लालू प्रसाद यादव एज रेलवे मिनिस्टर के चलते। आखिर में उनकी ओरेटरी, उनके वक्ता होने की हम जानते ही हैं, सुने हैं भाषण, आपने इंटरव्यूज में देखा होगा या संसद में सुना होगा। अब जब एक टाइम पे राज्यसभा टीवी होता था या बहुत ज़्यादा फेमस था देश में, तो उनके सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया से भी पहले के ज़माने में भी उनके भाषण सबसे ज़्यादा पॉपुलर होते थे, संसद में भी जो चलते थे। और वो कैसे हास्यास्पद भाषण हो, हंसी मजाक में बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कह जाते थे, पूरी ऑडियंस को मंत्रमुग्ध कर देते थे। तो इस पर मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस एक छोटा सा वीडियो आप देख लीजिए जिसमें वह प्रधानमंत्री मोदी पर चुटकी ले रहे हैं। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या आपने? क्या बात है, हाँ।
तो ये था लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक सफर, उनके सामाजिक जीवन में उन्होंने जो जो किया, हमने पूरे डिटेल में आपको पिछले उनके 4-5 दशक का, जबकि देखिए 1970 से 2000 अभी 20 तक आज भी बात चल रही है, तो देश के लिए डेफिनेटली एक बड़े आइडल रहे हैं, एक बड़ी प्रेरणादायक हस्ती रहे हैं, जिस हिसाब से उन्होंने बहुजन एकता के लिए काम किया या दक्षिणपंथी ताकतों के खिलाफ काम किया है। याद रखिए, आखिरी तथ्य बता रहा हूँ, जब 2014 से पहले 2012-13 की बात है, जब अन्ना हजारे आंदोलन तेजी पे था, पूरा देश वाहवाही कर रहा था, लालू प्रसाद यादव ही थे जिन्होंने संसद में इसकी कड़ी आलोचना की थी, इसकी बेजोड़ आलोचना की थी अन्ना हजारे और उनके आंदोलन की, और हम देख सकते हैं उस आंदोलन का असर 2014 के चुनाव पे क्या हुआ। तो ये था लालू प्रसाद यादव के बारे में। अगर आप कुछ इससे अलग जानते हैं, कुछ अलग कमेंट या कुछ बताना चाहेंगे हमें, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए कि कुछ और हमसे आप डिस्कस करना चाहें तो, और आप डेफिनेटली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये हमने अपनी रिसर्च में, शोध में पाया कि बहुत ही कम लेख या वीडियो जो है लालू प्रसाद यादव की लाइफ पे बने हैं, तो आप सबसे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। यूट्यूब पे अगर आप सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, द शूद्र चैनल यूट्यूब पे तो है ही, पर आप फेसबुक पर भी हैं तो हमारे पेज को लाइक ज़रूर कीजिए, फेसबुक यूट्यूब दोनों पे द शूद्र हमेशा सक्रिय है बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर को लाने के लिए। जय भीम साथियों।